का असल मजा तो अब आएगा। मैं घर जा सकता हूँ ऐसे जो साहब? जी जी आप जाएं। आइए। आराम से। पानी? हाँ मैं लेकर आती हूँ, सूप ही बनाती हूँ। मौत से लड़कर आए हो तुम और बाहर देखा खुशियां सूजी हुई है, मीठे बन रहे हैं, इम्तियाज जैसे कोई मैदान फतह करके आ रहा है। जमानत किसने कराई है? कशफी करती फिर रही थी वकील को फोन, और कौन करेगा? तुम्हें पता है जब तुम अस्पताल में पड़े थे तो ये दोनों माँ बेटियां मुझे दुकान बेचने का मशवरा दे रही थी कि दुकान बेच के बजदान का इलाज करा ले। तुम्हारा तो खैर बहाना ही था, कश्फ ने बाप की जमानत करानी थी इसलिए चली गई मतीउल्लाह के पास। जरूर कोई माहिदा कर लिया उससे, उसी के पैसों से जमानत कराई बाप की। अब देखना अब बैठेगी आस्ताने पर। क्या ये आपसे किसने कहा? मुझे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपी नहीं रह सकती। अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना तो पूछ लो कश्फ से, खुद ही बात कर लो। बड़े दावे करते तुम, कश्फ मेरी बात नहीं टालेगी, जैसे कहूंगा वैसे करेगी, मुझसे मोहब्बत करती है। जूते की नोक पे रख दिया तुम्हारी बात को। अरे भाई कहां हो सब? अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? अरे वजदान अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। मैं इतना फिक्रमंद था तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें इम्तियाज। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरा गुरूर, मेरा फख्र। मुझे पता था मेरी बेटी मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। जीती रहो मेरी बच्ची, मेरा दिल तुम्हें इतनी दुआएं दे रहा है। अरे भाई कोई मुंह मीठा करवाओ यार, वो अस्पताल से आया है, मैं जेल से आया हूँ, खीर बनाओ, मिठाई लेके आओ। मैं बस जरा अपना सर धो के आया, मुझे खुश्की बहुत हो गई है। वाह भाई खीर का मजा आ गया। अच्छा ओए होए होए ऐसी खीर। अस्सलाम वालेकुम। अरे बिस्मिल्लाह, आइए 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 मतियुल्ला, मैं लेके आता हूँ। नहीं 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 कोई बात नहीं, अपना घर है। नहीं नहीं आपका अपना घर, बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? जमानत हो गई, आ गए घर वापस? आपकी मेहरबानी है, आपने ही किया है जो कुछ किया। बहुत अफसोस होता है। क्यों? इस घर को, घर के हालात को देखकर अगर मेरी बात मान लेते ना तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन आखिर में काम तो मैं ही आया हूं ना, हैं? ये तो है, काम तो आप ही आए। अस्सलाम वालेकुम कश्फ बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कश्फ बीबी ने बड़ी अकलमंदी से काम किया है कि पार्टनरशिप कर ली, माशाल्लाह, वरना अंदर सड़ रहे होते आप। मैं तो हर वक्त इसे दुआएं देता रहता हूं, इसे और आपको, बस दुआएं ही दुआएं हैं। जरूर जरूर, आसाना फिर से आबाद होगा, वही रेल पेल होगी, आप फिक्र मत करें, यूं बदलेंगे हालात, सब वापस आ जाएगा, केसेस मैं संभाल लूंगा। कश्फ बीबी के आस्ताने पे बैठने की देर है बस। तुम क्या क्यों खड़ी हो? जाओ मतुल्ला भाई आए हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं ला रही हूं। जाओ। कश बीबी शाम से आस्ताने में बैठने की तैयारी करें, शाहबाज ने बता दिया सब मुरीदों को, सब आपके मुंतजर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने कबूल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। मैंने अभी खाई। आप इजाजत। ये मीठा आपके हवालात से वापसी की खुशी में होगा, है ना?
अब बस आपका मुंह मीठा करवाना जरूरी था ना, आपने ही तो किया है जो कुछ भी किया है। पिए वजदान। वजदान मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप हॉस्पिटल में, अब्बा थाने में, क्या करती मैं? मर जाने देती मुझे? यही रास्ता क्यों चुना तुमने? मैं था ना तुम्हारे साथ, जो कर सकता था कर रहा था मैं। तुमने मेरी कोशिशों की कदर ही नहीं की। वही किया जिसका डर था, वही किया जो तुम करना चाहती थी। वजदान, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। तो क्या मैं आपकी जगह होती, आप मुझे मर जाने देते? छोड़ देते मुझे मरने के लिए? मैं जानती हूं ये सब गलत हुआ है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था वजदान, ये मुझे करना पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा है। मुझ पे भरोसा करके तो देखती। मुझे तो लगता है शायद तुम इसी मौके की तलाश में थी। मेरा एक्सीडेंट क्या हुआ, बहाना मिल गया तुम्हें, फौरन फैसला कर लिया तुमने। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसी बात नहीं है वजदान, ऐसा मत कहें। सही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही किया तुमने। कर सकती हो तुम ये सब, कर सकती हो, मुझसे झूठ भी बोल सकती हो, धोखा भी दे सकती हो मुझे। वजदान, बस करो यार, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं जा रही हूं, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो दिल मुतमईन हो जाएगा। इजाजत है? फैसला तो तुम कर चुकी हो, फिर मुझसे इजाजत मांगने की जरूरत क्या है तुम्हें? कश बेटा, गाड़ी आ गई है, चलो चलो। मचा, तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं मैं कश। कश, अरे कश आ जाओ ना, कब से आवाजें दे रहा हूं, मतीउल्लाह का फोन पे फोन आ रहा है, चल क्यों नहीं रही हो? ओ तो ये ड्रामा चल रहा है यहां, अब भी रोक रहा है तुम्हें जाने से? पर तुम इसकी बात मानोगी, इसकी बात मानोगी जिसकी वजह से हम तबाह हो गए, हम सड़क पे आ गए, सारा कसूर इसका है कश। अच्छा, आस्ताने की आड़ में तुमने मासूम लोगों को लूटा और कसूर मेरे बेटे का है? हाँ बिल्कुल, सारा कसूर इसी का है। शादी करके ले गया मेरी बेटी को, अगर इसने शादी ना की होती तो कश आज भी आस्ताना चला रही होती और हम इस हाल को ना होते कम से कम। तो ना करते ना शादी, उस वक्त तो तुम्हें इस पे लगे दाग धोने थे, इसलिए तुम्हें मेरा बेटा नजर आया। शादी की आड़ में हमारा घर भी हथिया लिया, तुम लोगों की वजह से हम सड़क पे आ गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा कश, बैठ रही है ना आस्ताने पर, यूं यूं सब कुछ ठीक होगा, हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। बेहतर यह है कि आप खुद भी समझें और अपने इस बेटे को भी समझाएं, और अगर ज्यादा मसला है ना भाभी,
तो बोरिया बिस्तरा उठाएं अपना और निकलें आप यहां से। चलो कश्यप। बस हो गई तसल्ली, मिल गई खुशी तुम्हें माँ की बेइज्जती करा के। तुम्हारा ससुर घर से निकलने का कह गया हमें। चलिए जी सब तैयार हो जाएं, कश बीबी आ रही हैं। हैरान हूँ मैं ताई जान, इतनी मोहब्बत का दावा करने वाली बीवी अपने शौहर से किया हुआ एक वादा ना पूरा कर सकी। अच्छा सच पूछे, मुझे लगता है लत लग गई है उसको इन चीजों की, ख्वाब देखने, ताबीर सुनाने और फिर उससे इतना पैसा कमाने की। तभी तो विजदान के इतने कहने पर नहीं रुकी, मान तोड़ दिया इसका। मैं होती ना कसम से इसकी जगह कभी भी ऐसा ना करती, घर वालों से लड़ लेती, अब्बा से मार खा लेती, लेकिन कभी भी इनसे किया हुआ वादा ना तोड़ती मैं। ना भी किया होता वादा, लेकिन कश्यप को चाहिए था कि वो बात मानती वजदान की। जाहिर है ससुराल है इसका, मैके से ज्यादा अहम होना चाहिए था उसके लिए। और अब जब कर लिया था फैसला तो वजदान से इजाजत मांगने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, चली जाती चुपचाप। और उसके तमाशा करने की वजह से अब्बा ने आपको घर छोड़ने का बोला, क्या करेंगे आप लोग, अब कहाँ जाएंगे? हम तो भाई पहले यहाँ नहीं आना चाहते थे, तो तुम्हारी अम्मी ले आई। वजदान बेटा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और कहीं और रहने का बंदोबस्त करो, भाई मेरा तो अब दम घुट रहा है। इम्तियाज ने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, उसके बाद तो मैं एक पल नहीं यहाँ रह सकती। बस ताई जान, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ठीक है मैं आता हूँ, खुदा हाफिज़। फर्जान देख के मैं ले जाती हूँ आप। रहने दो रहने दो, संभाल लूंगा मैं खुद को, हरे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। वजदान ये घर फर्नीचर समेत दे रहे हैं किराए पर, फर्नीचर आप देख लें डैमेज ना हो। भाई दिलशाद, दिलशाद
भाई बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी गाड़ी भी मिलने वाली है वापस, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में घर भी वापस मिल जाएगा। सच? काश। अरे भाभी बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए, खुशी की खबर है, घर वापस मिल रहा है हमारा। हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कश सामान पैक करो, चलो मेरे साथ। नहीं, कश्यप कहीं नहीं जाएगी, बल्कि तुम लोग भी क्यों जा रहे हो? बता तो रहा हूँ यार, घर वापस मिल रहा है, फिर वापस चले जाना। बहुत करवा ली हमने इज्जत, अब हमें यहाँ एक पल नहीं रुकना। चलो कश्यप, आपकी मर्जी है, नहीं रुकना तो ना रुके, जाए यहां से। कश्यप नहीं जाएगी। कश्यप मेरी बात मानेगी, ये हमारे साथ भी जाएगी, पर अब कभी आस्ताने पर भी नहीं बैठेगी। चलो कश्यप। कश्यप तुम्हें हमारी हमारी मोहब्बत की कसम, इस रिश्ते इस ताल्लुक की कसम, चलो यहां से। और कौन सा रिश्ता, कौन सा ताल्लुक, और हैसियत औकात क्या है तुम्हारी? अस्पताल में पड़े थे, मेरी बेटी ने इलाज करवाया अपने पैसों से, और ये पैसे पता कहां से कमाए? उसी आस्ताने से जहां बैठने से मना कर रहे हो। कश्मीर तुम्हें कह रहा हूं ना, चलो यहां से। चलो वजदार, वो तुम्हारी नहीं अपने बाप की बात मानेगी, चलो यहां से, बहुत हो गया। और यार नहीं जाएगी, वो कह रहा हूं नहीं जाएगी। की जाएगी मेरे साथ, मैं आपसे नहीं से बात कर रहा हूं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। कश्यप, जिन लोगों की खातिर तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह नहीं हो रही इस वक्त, उन्हें तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं है। इन्हें सही और गलत के बीच में फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा, इनकी आंखों पर खुद खर्ची और बेहयाई की पट्टी बंधी हुई है इस वक्त। आज तुम्हें मतीला के आस्थाने पर बैठा रहना ही, कल जब आस्थाने की कमाई खत्म हो जाएगी तुम्हें भी बेच खाएंगे। बस बंद करो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम पर, वजदान और कितनी बेइज्जती कराओगे, चलो यहाँ से। कश तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं, या मैं हमारा रिश्ता खत्म कर दूं? बड़ा आया रिश्ता खत्म करने वाला। क्या कह रहे हैं आप किसान? कुछ नहीं, इसकी गीदड़ भपकियों में मत आना, कुछ नहीं करने वाला ये। ये और इसकी माँ तो चाहते ही नहीं है कि हम खुशहाली में रहें। वजदान तलाक दो इसे, इसे पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। कश तो मेरे साथ चल रही हो कि नहीं, क्या मैं अभी इस वक्त तुम्हें तलाक दूं? कहे चले जा रहे हो, कुछ करना है तो करके दिखाओ। आपको अल्लाह का वास्ता है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। मैं मजबूर हूँ वजदान, नहीं जा सकती आपके साथ। मजबूर हो तो? अगर तुम मजबूर हो ना, तो मैं भी मजबूर हूं इस वक्त। कश्यप, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें।
अगर तुम मजबूर हो ना, मैं भी मजबूर हूं इस वक्त, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं तुम्हें। इस वक्त इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई खुश नसीब हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कौन? मैं। हर एक मरहला है दर्द से गुजर भी गया, फशारे जान का समंदर मैं पार कर भी गया, ये जख्म इश्क है कोशिश करो हरा ही रहे, कसक तो जा न सकेगी अगर ये भर भी गया। क्या करोगे अब जब कश्फ इद्दत में होगी, कैसे बिठाओगे उसे आस्ताने पर? इतनी देर इंतजार तो नहीं किया जा सकता, और फिर हमारे चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मतियुल्ला ही नहीं माने, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। पर्दे के पीछे तो लोगों के मसाइल सुन सकती है। कुछ देर के लिए आस्ताने पर मर्दों की पाबंदी लगा देंगे, खवातीन के मसाइल सुने बस। ये तो हो सकता है। बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था ये सब। लेकिन गलती तुम्हारी अपनी है, अपने ख्वाबों की ताबीर को झूठा करने की कोशिश की ना तुमने। देख लिया जा, और वैसे भी ख्वाब में देख लिया था ना तुमने कि मैं शादी करूंगी वजदान से, तो नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें विश्वास से शादी। मेरी खुशियों को अपने पैरों तले रोंद के जो अपनी खुशियों का मीनार खड़ा किया था तुमने, तो गिर गया मुंह के बल। खैर बहनों, बुरा भी लग रहा है लेकिन क्या कहूं कश, बर्बाद कर लिया तुमने खुद को। सब बर्बाद होंगे, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा।
कितना समझाया था तुम्हें मैंने कि तुम्हारा और कश्यप का कोई जोड़ नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। काश उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बीबी आपकी बारी है, चाहिए। आइए आइए, आ जाइए, बैठिए, आइए आइए आइए, इत्मीनान रखिए, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। भाई साहब आप भी और आप भी, आज आप लोग जाइए, नजराना डाल जाइए, लेकिन आज मर्द हजरात का दाखला मना है, मर्द हजरात नहीं जा सकते। हाँ, क्या इम्तिहान देना है? पढ़ाई नहीं की होगी ना, कोई बात नहीं, फिर भी पास हो जाओगी अच्छे नंबरों में इंशाल्लाह। मेहनत नहीं भी करोगी, नजराना लाइयो ना घर से, बस शाबाश, पास हो जाओगी। हाँ, अपने हाथों से खिलाया था मैंने तुम्हें। हाँ, मजा आया था ना? कितना अच्छे दिन थे ना, वो घूम घुमा फिरे थे हम, दोबारा चलेंगे। हाँ हाँ, दोबारा चलेंगे, कोई तंग नहीं करेगा इस बार, चलेंगे ना, दोबारा बहुत मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, ढेर सारा खाई पीएंगे। नहीं नहीं नहीं, कर लेंगे, याद है पिछली दफा सबने तंग किया था, नहीं इस दफा कोई नहीं तंग करेगा, बस मैं कह रहा हूँ। जाएंगे, तैयार हूँ ना, वैसे जैसे तुम लग रही थी ना उस दिन। हाँ नहीं, इम्तियाज ये मतियुल्ला भाई आपके पैसे ही अलग कर रहा था, ये लीजिए। कम है ये? हाँ जी, वो मर्दों का दाखला जरा मना है ना जी आजकल, वो कश्फ की इद्दत चल रही है ना, तो इद्दत के बाद मर्दों को भी इजाजत होगी और ख्वातीन की तादाद भी बढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह और पैसे आएंगे। ये वो मेरे थे, ये तो बहुत कम है। कम है ठीक, साथ वाली रुखसाना के पास बड़ी अच्छी साड़ियां आई हैं,
मैंने दो पसंद कर ली हैं, 5,000 चाहिए होंगे, सुन लिया ना तूने? शादी को इग्नोर कर रही है, अम्मी दादी कह रही है वो आज खिचड़ी नहीं खाएंगी, कुछ अच्छा बनाए, कोरमा बिरयानी वगैरह। कमाल है भाई, उसूलन तो उन्हें हल्की गजा खानी चाहिए, फिर कहेंगी पेट में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चलो कोरमा डाल देती हूँ फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आशी? बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। भाभी वो कशका है, कमरे में है? अच्छा, मैं बस उससे मिल के आई हूँ। कश वो अच्छा, ये वो दरअसल अब खाना खा ले। क्या? खाना खा ले। नहीं, नहीं। टाइमी, आप तो खाएंगी ना? नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है, भूख नहीं है मुझे। कश बीबी, मैं 4 दिन से आ रही हूँ, आप कुछ बता ही नहीं रही हैं। मेरे कब बुला दोगी? जब अल्लाह चाहेगा। आप दुआ तो करें ना कश बीबी। आइए आइए आइए। क्या हुआ बीबी, ऐसे क्यों जा रही हैं आप? लगता है ख्वाब आना बंद हो गया कश बीबी को, फिर हमारे यहाँ आने का क्या फायदा, चंदा डालने का क्या फायदा? वो बात नहीं है कशवाजी में जो पहले थी। लो बेटा चाय पी लो। चाय नहीं पी, बड़ी बड़ी ठंडी हो गई। मैं दूसरी बना के ले आऊं।